सीहोर शहर में रहने वाले जिन लोगों ने पहला और दूसरा डोज वैक्सीन का नहीं लगवाया है, अब उनके बच्चे ही उनसे सर्टिफिकेट मांगेंगे। शहर के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे बताएंगे कि मम्मी पापा के दोनों डोज लगे हैं या नहीं। एसडीएम की पहल पर एक्सीलेंस स्कूल के प्राचार्य ने 31 दिसंबर तक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माँ बाप को दोनों डोज 100% लगवाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के जरिए अभिभावकों के दोनों डोज लगाने वाले सर्टिफिकेट की जानकारी मांगी जा रही है। दरअसल कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए सीहोर शहर में रहने वाले सभी लोगों को 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य तय किया गया है। प्रशासन किसी भी तरह का कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता, इसीलिए हर स्तर पर वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया जा रहा है। अभी जो वैश्विक संकट चल रहा है कोरोना महामारी को लेकर, इस संबंध में हमारा विद्यालय शुरू से ही प्रयास कर रहा है कि टीकाकरण के क्षेत्र में हमारे NSS, NCC, स्काउट गाइड के बच्चे समाज में जाकर जन जागृति फैलाएं और अधिक से अधिक टीकाकरण लगाने में शासन प्रशासन का सहयोग करें। इस संबंध में हमने अपने 1600 बच्चों को शपथ दिलाया है कि उनके घर में जो वयस्क व्यक्ति हैं 18 वर्ष से ऊपर वाले, सबका टीकाकरण होना जरूरी है और उनके परिवार में, रिश्तेदारी में, समाज में और गांव में वो ये संदेश दे कि 18 प्लस से ऊपर वाले सभी व्यक्तियों को जिनको प्रथम डोज लगा है उन्हें दूसरा डोज अनिवार्यतः लग जाए, ताकि हम इस वैश्विक समस्या का निवारण कर सके, निराकरण कर सके।